बाढ़ से प्रभावित प्रतापनगर क्षेत्र को जोड़ने वाला टिपरी मदन नेगी रोपवे बंद होने के कगार पर खड़ा हो गया। दरअसल टेहरी बांध की झील बनने के बाद प्रतापनगर को जोड़ने के लिए टिपरी मदन नेगी रोपवे का संचालन किया गया था। वहीं पिछले 10 सालों से बांध की प्रभावित ग्रामीणों के लिए आवाजाही करने के लिए इसका निरंतर प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन रोपवे को संचालित करने वाली कंपनी सिडकुल में अब इस रोपवे को लेकर असमर्थता दिखाते हुए इसे बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं रोपवे बंद होने से ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वहीं पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेवी का कहना है, सरकार को इसका संचालन जारी रखना चाहिए जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। डुमंदार पट्टी होगी 30-35 गाँव उसकी, और प्रताप नगर का क्षेत्र का जो एरिया है उसको बड़ी वहाँ के लोगों के आवागमन में बड़ी सारी अच्छी सुविधा हो रही थी कि वो जो लोग वहाँ पे मदद नहीं आए वहाँ से 10 मिनट में अपना रोपवे में टिपरी पहुँचे और 15-20 मिनट में नैटरी जिला मुख्यालय पहुँच जाते। खासकर जो तीमारदार हैं, बीमार लोग हैं, उनको लाने ले जाने में बड़ी सुविधा होती। आज राज्य सरकार के आँखों में पता नहीं कैसी पट्टी बन गई, किस तरह के राज्य सरकार निर्णय ले रही है। ये अंधी सरकार हो गई, गूंगी बहरी सरकार हो गई, इसको जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। ये जीत की खुमार अभी भी इनके सर से नहीं उतर रही है और इन्होंने जो रोपवे को 1 तारीख से बंद कर दिया। आज हर आदमी वहां पर परेशान है। मदने की टिपरी रोपवे जो कि बंद होने जा रहा है और जिससे प्रतापनगर विधानसभा के धारमंडल, रेखा पट्टी और पट्टी के कई गांव के लोगों का सीधा आवागमन इससे होता है, और राज्य सरकार को हमने पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने सिडकुल के माध्यम से इसका संचालन किया जाता था, लेकिन अब पता लगा कि सिडकुल ने हाथ खड़े कर दिए। तो हमारे कहना है कि ये सीधी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि वो व्यवस्था करें। टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्रों में पहले तो और सुविधाएं बढ़ाएं, नहीं तो सुविधाएं कम ना होने दें और जो चल रही है उसको यथावत चलने दें। इस रोपवे के बंद होने से उप तहसील मदनेगी, तहसील प्रतापनगर और बहुत सारे हमारे अध्यापक भी इससे आवागमन करते हैं। हमने इससे मोटरसाइकिल से भी जाने के और स्कूटर से भी लोग आवागमन करते हैं। इसके बंद होने से यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जो बीमार लोग हैं, जो स्कूल आने वाले बच्चे हैं, वो सभी लोग प्रभावित हुए। इस रोपवे के बंद होने से बांध प्रभावित प्रतापनगर के उपली, रमौली, रौनद, रमौली, ओड़, भदूरा, रैका, उत्तरकाशी के गांजगड़ा और जांखड़ीधार के धार मंडल और ढूंगमंदार पट्टी के साथ साथ लगभग 200 गांवों की 1 लाख आबादी को आवागमन में दिक्कतें होंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य रमोला की रिपोर्ट।